देशद्रोह और भड़काऊ भाषण देने के आरोपी शर्जिल इमाम को दिल्ली पुलिस आज पटना से दिल्ली ले आई। मंगलवार को शर्जिल को गिरफ्तार करने के बाद देर शाम को जहानाबाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे दिल्ली पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पर सौंप दिया। शर्जिल इमाम को लेकर पटना एयरपोर्ट पर रिपोर्टिंग करने पहुंचे पत्रकारों से पुलिसकर्मी भिड़ गए। इस दौरान कई पत्रकारों को गंभीर चोटें भी आई। एक घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी कुछ पत्रकारों से हाथापाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। निर्भया गैंगरेप केस के दोषी मुकेश सिंह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई सबूत नहीं है कि प्रासंगिक दस्तावेज राष्ट्रपति के सामने नहीं रखे गए थे। मुकेश ने अपनी दया याचिका खारिज करने के लिए के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद निर्भया की मां ने कहा कि अब मुझे उम्मीद है कि पूरा इंसाफ मिलेगा। मुजरिम कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। मुकेश की याचिका खारिज होने से अब मुझे 1 फरवरी को दोषियों की फांसी की उम्मीद है। दिल्ली में हुई निर्भया कांड के मामले में चारों आरोपियों की फांसी बार बार टलने से सोनभद्र में लड़कियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। लड़कियों का कहना है कि जल्द से जल्द उन दरिंदों को फांसी होनी चाहिए, अगर फांसी नहीं हुई तो सैकड़ों निर्भया सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगी। नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC के खिलाफ आज मुंबई में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन को सुबह 8 बजे प्रदर्शनकारियों ने रोकने की कोशिश की। बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज कंजूर मार्ग रेलवे स्टेशन के पास रेल ट्रैक को CA के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए रोकने की कोशिश की। इस संगठन ने आज भारत बंद का आह्वान कर रखा है। मुंबई में लोकल ट्रेन को रोकने की कोशिश करने के दौरान ट्रेन में सफर कर रहे यात्री भड़क गए। उन्हें ऑफिस जाने में देरी हो रही थी। यात्री ने प्रदर्शनकारियों से हटने के लिए कहा। बाद में दोनों ओर से माहौल तनावपूर्ण हो गया और आपस में झड़प शुरू हो गई। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए आनन फानन में पुलिस बल बुलाए गए। पुलिस ने मौके से प्रदर्शनकारियों को हटाया और सभी को हिरासत में ले लिया। अर्थव्यवस्था के हालात को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ट्विटर पर राहुल गांधी ने लिखा है कि मोदी और उनके आर्थिक सलाहकारों की ड्रीम टीम ने अर्थव्यवस्था को सचमुच बदल दिया और आज प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पता नहीं है कि आगे करना क्या है। राहुल ने अपने ट्वीट में कहा कि पहले GDP 7.5% और महंगाई दर 3.5% थी, अब GDP 3.5% और महंगाई दर 7.5% हो गई है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पता नहीं कि आगे करना क्या है। सीतापुर के महमूदाबाद पहुंचे यूपी के कारागार राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी ने विवादित बयान देकर हंगामा कर दिया। मंत्री जी ने छात्रा छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, पढ़े लिखे गुलामी करते हैं, IAS और IPS जैसे अधिकारी मेरे इशारे पर काम करते हैं। नेता को ज्ञान और डिग्री से कोई मतलब नहीं है, समाज में पढ़े लिखे लोगों ने गलत माहौल पैदा कर रहे हैं। वहीं ये विवादित बयान मंत्री जी ने सेठ राम गुलाम पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज महमूदाबाद में दिया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित हो गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 30 अप्रैल को सुबह 4:30 पर खुलेंगे। टिहरी राज महल में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित हुई है। राज पुरोहित ने वैदिक रीति से कपाट खुलने की तारीख निकाली। दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस की परेड में यूपी के कलाकारों की झांकी को सबसे बेहतर दिखाने की मेहनत रंग लाई। पूरे देशभर में यूपी की झांकी को दूसरे स्थान पर चुना गया है। सूचना निदेशक शिशिर सिंह ने ये ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा। इस मौके पर ACS अवनीश अवस्थी, PS CM SP गोयल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी ने यूपी सूचना विभाग की खूब तारीफ की है। पांच दिवसीय गंगा यात्रा का आज तीसरा दिन सीएम योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर में गंगा यात्रा में शिरकत करने पहुंचे। सीएम योगी ने मां विंध्यवासिनी मंदिर के दर्शन पूजन किए। सीएम अमरावती चौराहे पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। रायबरेली में गंगा यात्रा को लेकर गंगा के किनारे के बसे गांव में प्रशासन कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। दरअसल 30 जनवरी को गंगा यात्रा रायबरेली में पहुंच रही है, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 5 दिवसीय गंगा यात्रा आज संभल पहुंचेगी। गंगा यात्रा पहुंचने से पहले बारिश का पानी जनसभा स्थल में भर गया, जिसके बाद पानी निकाला गया। गंगा यात्रा में डिप्टी CM दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। गंगा यात्रा को लेकर 38 गांवों में साफ सफाई समेत कई इंतजाम किए गए हैं।
यूपी के सैदपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि गंगा यात्रा को राजनीतिक चश्मे से देखना ठीक नहीं है। गंगा किसी जाति, धर्म और मजहब की नहीं, गंगा सबकी है। गंगा यात्रा का उद्देश्य गंगा जी को निर्मल और अविरल बनाने के साथ साथ ही सभी को गंगा अर्थ से जोड़ना है, लोगों को जागरूक करना है। गंगा जी सबकी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मिर्जापुर में विद्यांचल में मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। उनके साथ बड़ी तादाद में आरएसएस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इससे पहले मोहन भागवत ने देवरवा बाबा आश्रम में हंस बाबा के दर्शन किए। मिर्जापुर के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। वहीं मोहन भागवत ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया। रेरा शिकायत को ऑनलाइन दर्ज कराने के बाद अब ई कोर्ट के जरिए शिकायत की सुनवाई अपने मोबाइल पर देखी जा सकेगी। लखनऊ और ग्रेटर नोएडा के ई कोर्ट में शिकायत दर्ज की जाएगी। वहीं यूपी रेरा में ई कोर्ट को लेकर लंबे समय से तैयारियां चल रही है। 3 फरवरी से ई कोर्ट सिस्टम के लिए ऑनलाइन शिकायतें दर्ज की जाएंगी। 2 मार्च से ई कोर्ट पर सुनवाई की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। सीए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन में पीएफआई की फंडिंग को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ प्रिय श्रीवास्तव ने कहा है कि बीजेपी किसी का नाम जोड़कर आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी अपनी फंडिंग के बारे में नहीं बताती। उन्नाव रेप पीड़िता के वकील की हालत बिगड़ गई है। मंगलवार देर रात वकील को लखनऊ के लोहिया संस्थान में भर्ती कराया गया है। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में लोहिया संस्थान की न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में वकील महेंद्र सिंह का इलाज चल रहा है। रामनवमी पर भव्य राम मंदिर निर्माण की नींव रखे जाने को लेकर अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने वैदिक मंत्रोच्चार से धर्मादेश यज्ञ किया। इस आयोजन को लेकर महंत परमहंस दास ने कहा है कि श्री रामलला टेंट में विराजमान है, जिससे संत दुखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन के ललितपुर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन अपने अल्प प्रवास पर ललितपुर पहुंची तो उन्हें देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि उनके ललितपुर पहुंचने का कोई प्रोटोकॉल नहीं था, इसके बावजूद उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग भी मौजूद रहे। जसोदाबेन महोबा से चलकर शिवपुरी एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रही थी कि इसी दौरान वो ललितपुर पहुंच गई। कन्नौज थाना क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस सेवा जीवनदायिनी साबित हो रही है। आपातकाल स्थिति में ही 108 एम्बुलेंस में एक गर्भवती महिला का प्रसव कराया गया। एम्बुलेंस में कर्मचारी और आशा कार्यकर्ता मौजूद थे, जिनकी सूझबूझ के चलते प्रसूता का प्रसव कराया गया। बाद में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। कौशाम्बी में सीबीआई की टीम ने फिर से डेरा डाल दिया है। सीबीआई 2012 से 2016 तक हुए अवैध खनन की जांच कर रही है। सीबीआई कई अधिकारियों और बालू माफियाओं से पूछताछ करेगी। रुड़की में अवैध खनन को लेकर प्रशासन सख्त हो चुका है। आपको बता दें कि प्रशासन ने अवैध खनन को लेकर कार्रवाई की है, जहां एक बड़ा अभियान चलाया जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। एसडीएम ने पुलिस प्रशासन की टीम के साथ छापा मारा, जहां पर पिछले लंबे समय से अवैध खनन का काम चल रहा था। चीन में फैले घातक कोरोना वायरस को लेकर उत्तर प्रदेश की सभी एयरपोर्ट अलर्ट पर हैं। कोरोना वायरस को लेकर लखनऊ एयरपोर्ट पर बने हेल्प डेस्क का सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल ने निरीक्षण किया है। एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनर से जांच की जा रही है। उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों ने राज्यसभा सदस्य और अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी से मुलाकात की और उन्हें देवस्थानम अधिनियम और चारों धामों के प्रबंधन व्यवस्था की जानकारी दी। पुरोहितों का दावा है कि स्वामी ने व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने के लिए भी हामी भर दी है। बलरामपुर में कोतवाली पुलिस और आरपीएफ का मानवीय चेहरा सामने आया है। ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई, लेकिन शव उठाने के बजाय पुलिस और आरपीएफ सीमा विवाद में उलझे रहे। गोंडा गोरखपुर ट्रेन ट्रैक पर रंजीतपुर गांव के पास ये हादसा हुआ। कोतवाली देहात क्षेत्र का यह मामला है। जल्दी आपको राजधानी और शताब्दी के रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलते हुए दिखाई दे सकती है। दरअसल उत्तर रेलवे के जीएम तेजपाल सिंह सेंट्रलाइज्ड कॉर्पोरेशन और सुपरविजरी सिस्टम का उद्घाटन करने मुरादाबाद पहुंचे थे, जहां पत्रकारों से बात करते उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि शताब्दी और राजधानी ट्रेनों की जगह वंदे भारत को चलाया जाए।
सोनभद्र में बीते दिनों हुई चोरियों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जबकि एक अन्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। दरअसल बीते हफ्ते कोन इलाके में चोरी के मामले सामने आए थे जिसके बाद से ही पुलिस को चोरों की तलाश थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने चरणबा रोड से 3 लोगों को गिरफ्तार किया जिनसे फिलहाल पूछताछ जारी है। मेरठ के मवाना में छुट्टी पर आए एक सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिपाही का शव गोली लगी हालत में गांव के बाहर जंगल में मिला। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी है। हरदोई में सैनिकों की आज भी कोई सुनने वाला नहीं है। यहां आदेश के बाद भी सीएसडी कैंटीन नहीं बनी। 2013 में जिले में सीएसडी कैंटीन और पॉलीक्लिनिक बनाए जाने के लिए एसडीएम ने 1 एकड़ जमीन आवंटित की थी लेकिन सीएसडी कैंटीन नहीं बनी। मजबूरन सैनिकों को लखनऊ के चक्कर काटने पड़ते हैं। हरदोई में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की तैयारी को लेकर प्रशासन ने तैयारी कर ली है। इसी के मद्देनजर डीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें सर्वेक्षण में अच्छा प्रदर्शन करने की रणनीति तैयार की गई है। पिछले साल स्वच्छता में जिले को 8वां स्थान मिला था। जब आरआई टीवी की टीम ने रिहायशी इलाकों का जायजा लिया तो हालात कुछ चौंकाने वाले नजर आए जहां पर जगह जगह कूड़े के ढेर और जल भराव मिला। औरैया थाना क्षेत्र में स्थित हीरो बाइक शोरूम में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। देखते ही देखते शोरूम में रखी लाखों की बाइक जलकर राख हो गई। मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बदायूं के कोतवाली सहसवान इलाके में जंगली जानवरों ने भेड़ों पर हमला कर दिया जिसमें 65 भेड़ों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। वहीं चरवाहा का कहना है कि रात में भेड़ियों ने हमला बोल दिया था जिससे उसका काफी नुकसान हो गया। चंपावत के नरसिंह डांडा गांव में छत गिरने से हादसा हो गया जिसकी वजह से कई लोग घायल हो गए। दरअसल ये लोग 75 साल के बुजुर्ग की मौत की खबर पाकर उसके घर गए थे। अचानक बारिश होने लगी जिससे बचने के लिए एक पुराने मकान में चले गए जहां ये हादसा हो गया। मसूरी में देर रात जमकर बर्फबारी हुई। आपको बता दें कि बर्फबारी के बाद यहां का नजारा खूबसूरत है। एक तरफ जहां बर्फबारी ने पर्यटकों का ध्यान खींचा है तो वहीं दूसरी ओर मसूरी में ठंड और शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ गया है जिससे स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। टिहरी में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है वहीं मैदानी इलाकों में बारिश से तापमान नीचे चला गया है। टिहरी में बर्फबारी की वजह से स्थानीय लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लखनऊ के रहने वाले देवांगी ने मात्र 6 साल की उम्र से ही ड्रम बजाना शुरू कर दिया। आज वो दुनिया के सबसे कम उम्र के ड्रम बजाने वाले बन गए हैं। उनकी मम्मी राशि दीक्षित का कहना है कि बर्थ से ही ड्रमर है। कन्नौज में शादी के घर में चोरी के आरोप में एक युवक को लोगों ने तालिबानी सजा दी। लोगों ने युवक को पिलर से बांधकर जमकर पिटाई की। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल इस मामले में 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जमैका और पूर्वी क्यूबा के बीच कैरेबियन सागर में मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.7 मापी गई। शक्तिशाली भूकंप के बाद क्षेत्र में सुनामी का खतरा बढ़ गया है। यूरोपीय संघ की संसद आज सीए पर बहस करेगी। इसके बाद गुरुवार को इस पर वोटिंग होगी। यूरोपीय संसद के कुल 751 सदस्यों में से करीब 626 सदस्यों ने नागरिकता संशोधन कानून और जम्मू कश्मीर के मसले पर विचार करने के लिए 6 प्रस्ताव सदस्यों के सामने रखे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और फिलिस्तीन के बीच वर्षों से चले आ रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। इसमें पहली बार फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा देते हुए पूर्वी यरूशलम को उसकी राजधानी बताने की बात कही गई है। इसराइल ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया जबकि कुछ अरब देशों ने इसका विरोध किया है। देशी जानी मानी कार निर्माता कंपनी रेनॉल्ट ने भारतीय बाजार में अपनी किफायती कार रेनॉल्ट ट्रिबर का BS6 वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। इससे पहले रेनॉल्ट ट्रिबर में सिर्फ 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन दिया गया था। अब इंजन को BS6 एमिशन नॉर्म्स के अनुरूप बदल दिया गया है।
बैडमिंटन कोर्ट पर शानदार प्रदर्शन के बाद अब बैडमिंटन स्टार सायना नेहवाल ने राजनीति में एक कदम रख लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिन्हा की उपस्थिति में सायना नेहवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में सायना नेहवाल और उनकी बहन चंद्राशु को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नीरज ने दक्षिण अफ्रीका में एथलेटिक सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट मीटिंग में 37.86 मीटर भाला फेंक कर 85 मीटर के बेंचमार्क को पार करने के बाद क्वालिफाई किया। कोहनी की चोट से उबरकर वापसी कर रहे नीरज ने शानदार प्रदर्शन किया। चोट के बाद नीरज का यह पहला मुकाबला था। कोहनी की चोट के कारण उन्हें सर्जरी भी करानी पड़ेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला हैमिल्टन के सेडान पार्क में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है और भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया। दोनों टीमें सीरीज की दावेदारी के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। स्विट्जरलैंड के स्टार टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने मंगलवार को शानदार जीत दर्ज कर साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। 6 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने वाले फेडरर 17 साल के करियर में 15वीं बार इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। शाहरुख खान की कजिन नूरजहां का निधन हो गया है। लंबे बीमारी के बाद 52 साल की नूरजहां ने पाकिस्तान में पेशावर से सटे किस्सा खानी बाजार में अंतिम सांस ली। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का मंगलवार को गोवा एयरपोर्ट पर एक फैन का मोबाइल छीनने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि फैन सलमान खान के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था कि तभी सलमान ने उसके हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया।